सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे टू सक्सेस पर। और दोस्तों आज आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट निकल के आता है आरपीएफ की भर्ती की तरफ से। दोस्तों आरपीएफ में 9500 भर्ती होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज आगे इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आरपीएफ में 9500 कॉन्स्टेबल की भर्तियां शुरू होने वाली है। दोस्तों कल रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अब रेलवे में 9500 कॉन्स्टेबल की भर्ती होगी और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है और बताया अब से करीब कल से यानी कि 4 दिन बाद इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों 25 तारीख के आसपास यानी कि 25 मार्च के आसपास इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 9500 पोस्ट के ऊपर आरपीएफ में कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए। और दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग होंगे वे करीब 1 अप्रैल के आसपास से, यानी कि 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल से अप्रोक्स जो भी नोटिफिकेशन आएगा 25 मार्च को, उसमें इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि ऑनलाइन फॉर्म डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है और इसकी फीस क्या है। तो दोस्तों ये एक काफी अच्छी न्यूज है, जो कि आरपीएफ में काफी दिनों से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। और दोस्तों एक और खास बात उन्होंने बताई कि जो अब आरपीएफ जो सॉरी रेलवे में जो भर्ती कराई जा रही है करीब 90,000 की, एक साथ इतनी बड़ी भर्ती कराई जा रही है, तो दोस्तों ऐसे ही आरपीएफ की भी भर्ती इस बार फ्रेश भर्ती होगी। यानी कि जो 25 तारीख को ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा 9500 कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए, जो उसमें दोस्तों निर्धारित टाइम दिया जाएगा, रिटन एग्जाम की डेट दी जाएगी दोस्तों, फिजिकल की डेट दी जाएगी, मेडिकल की, उसी निश्चित टाइम के अंदर दोस्तों पूरी भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। यानी कि रिटन भी उसी निश्चित टाइम के अंदर कराया जाएगा और फाइनल भर्ती जो निश्चित टाइम नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाएगा उसी के अंदर भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जो पिछले साल भर्ती हुई थी करीब फीमेल की भर्ती थी 2030 भर्ती, तो दोस्तों अभी तक अटके हुई है। दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होगा, जो टाइम दिया जाएगा उसी के अंदर भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। और दोस्तों इस बार एक खास बात और है इस भर्ती में, इस बार दोस्तों पीयूष गोयल ने जो बताया इसमें 50% सीट्स वैकेंसी यानी कि 50% महिलाओं के लिए फीमेल के लिए रिजर्व रहने वाली है। यानी कि जो 50% वैकेंसी होगी मेल के लिए और 50% फीमेल के लिए, यानी कि 50% महिलाओं के लिए इसमें पहले ही आरक्षित वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों ये काफी जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी छूट दी गई है इस बार, तो ये काफी अच्छी बात भी है। और दोस्तों इसमें अभी एज लिमिट या इस बारे में कोई ज्यादा खास बात पता नहीं चली है। इसमें एज लिमिट दोस्तों जहां तक उम्मीद है एज लिमिट इसमें करीब 18 साल से 25 साल होने वाली है। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड हम देखें, जैसे पिछले साल भर्ती आई थी पिछले साल भर्ती थी जो, उसमें 18 से 25 साल एज लिमिट थी, इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस आया आपने पढ़ भी लिया होगा, शायद न्यूज़पेपर में आया था, कल के न्यूज़पेपर में आपको मिल भी गया होगा, इस बारे में आप सारी जानकारी न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं। और दोस्तों जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि 25 तारीख के मार्च के बाद या पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो दोस्तों मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आऊंगा और डिटेल में आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, रिटन एग्जाम की डेट, स्टार्टिंग लास्ट डेट, फिजिकल की डेट, या इसकी ऑनलाइन फॉर्म की फीस क्या है। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगी, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी। तो दोस्तों जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा या आरपीएफ से कोई भी अपडेट या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेंगे, मैं वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों जब मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊं तो वो आप तक पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।